नमस्कार, एमटी लाइन में आपका स्वागत है। एमटी लाइन के दर्शकों को कुछ बातें हम बताना चाहते हैं शुरू में, और हमें लगता है कि ये ना सिर्फ हमारे लिए मधेपुरा टाइम्स के लिए, बल्कि जो हमारे सुधी दर्शक हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात होगी ये कि हम एमटी लाइन का 150 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। 150 एपिसोड पूरे करने के बाद आज हमारा 151वां एपिसोड है, 151 एपिसोड है ये। और हम आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं कि आज का दिन, आज 6 जून 2022 है, ये 6 जून का जो समय है, ये जो तिथि है, ये अपने इलाके के लिए एक गम देने वाला भी ये दिन था। और ये हम आपको बताते चलें कि बहुत सारे दर्शकों को जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन्हें तो ये खबर होगी, लेकिन जिन्हें खबर नहीं है हम बताते चलें कि धमारा बदला ट्रेन एक्सीडेंट भी आज ही के दिन 6 जून 1981 को, जिसके 81 को ही हुए थे, 41 वर्ष बीत चुके हैं और कई इलाके के कई लोगों ने, कई परिवार ने अपनों को खोया था। वो एक दर्दनाक हादसा था जिसमें हमारे साथ जो अतिथि हैं हम इनका परिचय कराते हैं आपको, लेकिन हमें जानकारी मिली कि जैसे ढेर सारे उनमें थे, श्यामल यादव श्रीनगर घैलार के किसान थे, वो भी उसी ट्रेन से आ रहे थे। 6 जून 1981 को वो जो घटना हुई थी, और फिर हम उस घटना के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पहले बताते हैं इस पर आने से पहले, और फिर हमारे मधेपुरा के जाने माने, हमें लगता है कि सारे लोग जान रहे हैं, डॉक्टर आभास आनंद जी हैं, उनके पिता स्वर्गीय जयशंकर झा, जो खगड़िया में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, दुर्भाग्य से उनका भी निधन इसी ट्रेन एक्सीडेंट में हुआ था। इसके बारे में बताते हैं, जिस तरह से जानकारी मिली है शॉर्ट में कि 6 जून 1981 की शाम कोसी क्षेत्रवासियों के मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो गया है। उस दिन मानसी सहरसा रेलखंड पर, तब छोटी रेल लाइन ही थी, बदला धमारा घाट के बीच बागमती नदी पर पुल संख्या 51 जो अब नहीं है, वो पुल, ट्रेन, वहाँ ट्रेन हादसे हुए थे। और सरकारी आंकड़े थे कि 300 यात्रियों के करीब जान गई थी, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े हैं कि हजार के लगभग की जान उसमें गई थी। कहते हैं कि अचानक ड्राइवर के द्वारा, वो शाम का समय था, अचानक ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाने पर वो दुर्घटना हुई थी। और दुर्घटना इतनी भीषण थी कि संभवतः आगे की 2 बॉगी जो है इंजन के साथ लटक गए थे, और बाकी बॉगियां जो है बागमती में समा गई थी। हाहाकार मच गया था, और ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी रेल दुर्घटना और भारत की सबसे बड़ी ये रेल दुर्घटना थी। अब हम उनके प्रति भी, आज का दिन 41 साल बीत चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें टिप्पणी भी ढेर सारी आने लगी, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि आज जो हम जिस खास लाइव को ला रहे हैं 150 एपिसोड पूरे होने के बाद, ये आपकी ताकत से ही हम 150 एपिसोड पूरे किए हैं। और हम ये भी बताते हैं कि आपकी ताकत को और मजबूती देने के लिए आज का विषय भी हमारा उसी पर आधारित है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो विशेष अतिथि हैं आज के इस खास एपिसोड में, परिचय कराते हैं, डॉक्टर राजीव जोशी हैं, उम्र इनकी 46 वर्ष करीब है, और एजुकेशन इनकी MSc है, LLB है, PhD है, 13 वर्ष इनके वकालत का भी अनुभव रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता, और सबसे अहम कि RTI जो एक बड़ा हथियार है, हम समझते हैं कि वो आम पब्लिक के लिए उससे बड़ा हथियार कुछ नहीं है, और RTI एक्टिविस्ट के रूप में ये जिले में सबसे अधिक सक्रिय रहे हैं। इनका मूल घर मधेपुरा जिले के घैलाड़ प्रखंड के रड़ियाहा गांव है, और वर्तमान में मधेपुरा वार्ड नंबर 1 में ये रह रहे हैं। RTI में ये 2008 से सक्रिय हुए। हम जानेंगे RTI के प्रति इनकी कैसी जागरूकता, कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और क्या क्या इन्हें झेलना पड़ा, वो भी जानेंगे। हम आपको बता दें कि हजारों RTI इन्होंने फाइल किए हैं। जहां लोग 1-2 RTI फाइल करने में घबराते हैं या फिर सोचने लगते हैं, वहां हजारों RTI फाइल किए हैं। विभिन्न विभागों की अनियमितता, धांधली और घोटालों का पर्दाफाश इन्होंने किया है। दर्जनों FIR इनके RTI के बाद दोषी कर्मी अधिकारियों पर हुए हैं, और
दर्जनों सलाखों के भी पीछे गए हैं। यहां तक कि हम बता दें कि आधे दर्जन के करीब जो अधिकारी और कर्मी बर्खास्त भी हुए उनकी नौकरी भी चली गई। इतना बड़ा हथियार है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम समझते हैं कि आरटीआई जैसा एक मजबूत जो शस्त्र या अस्त्र जो भी कहें वो हमें आज से इससे पहले नहीं मिला था जितनी बड़ी। और यहां तक कि करोड़ों रुपयों की रिकवरी भी हुई थी जो कि सरकारी फंड में वो गए थे, सरकारी राशि का दुरुपयोग था। एक हिसाब से तो देखा जाए कि ये सरकार के पक्ष में आरटीआई एक्टिविस्ट कोई होते हैं तो वो सरकार के पक्ष में, चूंकि राशि की रिकवरी फिर सरकार के पास ही होती है। लेकिन इसका एक जो एक स्याह पक्ष है कि चूंकि इसमें जो सरकारी जो है वो भी कर्मी और अधिकारी भी निचले तबके के खास करके जुड़े होते हैं तो खतरे भी इसमें बहुत है। हम आपको बता दें कि गरीब निसहाय की आवाज़ बने, समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनकर इन्होंने, डॉक्टर राजीव जोशी ने न्याय तो हजारों को दिलवाया लेकिन बदले में इन पर भी दर्जनों मुकदमे हुए, यहाँ तक कि जेल भी इन्हें जाना पड़ा। आज भी कई केस लंबित हैं। आपको ये जानकारी निश्चित रूप से होगी, देश भर में कई दर्जन आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या तक कर दी गई है। और भ्रष्टाचारियों का चैनल इतना मजबूत है और इतना ऊपर तक, इतनी ऊपर तक उनकी पकड़ है कि उनसे पार पाना हर किसी के वश में नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग बीच बीच में आते हैं जो उनसे लड़ने का हौसला इकट्ठा करते हैं। और यही हम कहें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले ऐसे ही लोग हमें या फिर गरीबों को जो जिनको ज़रूरतमंद है उनकी अगर रक्षा करते, उन्हें बचाते हैं, उनके पास अगर पहुंच रहे हैं सारी सुविधाएं अगर पहुंच रही है तो संभवतः ऐसे ही लोगों के डर से भी, बहुत सारे अधिकारी ईमानदार भी हैं, ढंग से भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी कर्मी हैं जिन्हें कि अगर मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर डालें, आप इशारा समझ सकते हैं। तो और यहाँ तक कि एक जानकारी जो है हम बताते हैं कि मधेपुरा में भी बिहारीगंज पंचायत के सरौनी कला में एक राजीव गुप्ता नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे, मधेपुरा टाइम्स से भी जुड़े थे। हमने भी उन्हें काफ़ी हिम्मत दी थी लेकिन हम उन्हें भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के चंगुल से नहीं बचा सके, उनकी बाद में हत्या भी कर दी गई। तो ऐसे माहौल में आखिर आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे एक देश को बचाएं, समाज को बचाएं, एक बड़ी हिम्मत की बात है। और हिम्मत की दाद देते हुए हम डॉक्टर राजीव जोशी जी आपका स्वागत करते हैं एमटी लाइव में। ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं आपका, आपको सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एमटी लाइव चैनल को हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं जी। हम टिप्पणियों पर आ जाते हैं चूँकि टिप्पणियाँ ढेर सारी हैं और हमें लगता है कि जो टिप्पणियाँ बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ हैं चूँकि हमारे जी नैयर आलम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीट 150 एपिसोड, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आलम जी। संजय कुमार कहते हैं जोशी भैया प्रणाम, आपके लिए भी आने लगे हैं। हर्षवर्धन राठौर कहते हैं 150वां एपिसोड पूरा करने हैं तो बधाई, वैसे आपका हर एपिसोड बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक होता है, मधुपुर टाइम्स के इस अनोखे प्रयास को सलाम। साथ आज से 4 दशक पहले हुई ट्रेन दुर्घटना में और समय काल कवलित हुए लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि। ओपी यादव कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। संजय कुमार कहते हैं नमस्ते। विभीषण कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। मोहन कुमार गुप्ता कहते हैं सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर कंप्लीट 150 एमटी लाइव। हम आपको बताते चले बीच में अपने दर्शकों को कि हमने 17 अक्टूबर से ये एमटी लाइव का कार्यक्रम पिछले साल से शुरू किया था, 150 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं और विभिन्न अलग अलग क्षेत्र और कई ऐसे टॉपिक भी हुए जिस टॉपिक को हमें लगता है कि पहले किसी भी मीडिया ने इतने विस्तार से नहीं छुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि गूंगे बहरों की एक टीम, कहने का मतलब चार गूंगे बहरे हमने लाए थे, एक ट्रांसलेटर लाए थे, उनकी दुनिया क्या है जो बचपन से गूंगे बहरे हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे क्या वो था। यहाँ तक कि लाइफ आफ्टर डेथ का जो एपिसोड हमारा था कि जिंदगी के बाद मौत के बाद भी क्या जिंदगी हो सकती है, कैसी होती है, इस पर भी हम इस तरह करके ढेर, और बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे शिक्षाविद, अन्य क्षेत्रों से भी हमारे एमटी लाइव में लोग आ चुके हैं और आपके सामने वो उपस्थित हो चुके हैं। आपने भी, हम समझते हैं कि बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अखिलेश आनंद कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। संतोष कुमार कहते हैं नमस्कार सर। संतोष कुमार कहते हैं बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार जी।
हर्षवर्धन राठौड़ कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरटीआई व अन्य वो अधिकार जिससे आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें बड़े भाई राजीव जोशी मधेपुरा ने कोसी में सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं और संभवतः पहले मुख्य चेहरे जिन्होंने आरटीआई से इस क्षेत्र को रूबरू कराया। आपका संघर्ष एक अलग अध्याय है, आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, हम भी मानते हैं कि इनका संघर्ष एक अलग अध्याय है। जब भी मधेपुरा के इतिहास को, मधेपुरा के संघर्ष को जब भी आगे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, तो हम समझते हैं कि अगर डॉक्टर राजीव जोशी का एक अलग अध्याय उसमें न हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। हम समझते हैं कि वो इतिहास अधूरा ही रहेगा। विभीषण कुमार कहते हैं, स्वागत है सर का। अमरदीप कहते हैं, धुरगांव पैक्स की जानकारी मिलेगी सर। ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है और हम उसके बाद आते हैं। विभीषण कुमार कहते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए विशेष कानून और सुरक्षा व्यवस्था और कानून होना चाहिए। बिल्कुल, ये हम आते हैं इस पर कि क्या सुरक्षा व्यवस्था और कैसे। मुकेश कुमार कहते हैं, वेलकम सर। सुमित प्रेस कहते हैं, राजीव जी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामलों को आरटीआई के द्वारा उजागर किया है। बिल्कुल, जिस समय लोगों को आरटीआई की जानकारी नहीं थी उस समय से इन्होंने समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार को रोकने का जो कदम उठाया वो काफ़ी सराहनीय है। मनोज कुमार कहते हैं, डॉक्टर जोशी जी के हौसले को सलाम। मोहन कुमार गुप्ता कहते हैं, जोशी सर का दिल से स्वागत है एमटी लाइव पर। विपिंद्र कुमार कह रहे हैं, बहुत अच्छा। ढेर सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर राजीव जोशी हमारे साथ हैं, आरटीआई के सबसे बड़े हस्ताक्षर, आरटीआई एक्टिविस्ट सबसे बड़े इलाके के, और हमने पहले ही बताया था जिसने दर्जनों को सलाखों के पीछे, कर्मी और अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, कई बर्खास्त हुए और फिर इन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी एक इन्होंने डट कर मुकाबला किया और एमटी लाइव में आज हैं। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये डॉक्टर राजीव जोशी ये कि वकालत करते हुए 13 साल आप वकालत कर रहे थे, वकालत करते करते अचानक ये आपके मन में आरटीआई को हथियार बना करके जो है भ्रष्ट कर्मी और अधिकारियों के चेहरे को सामने लाने, या फिर कहें तो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको, उन्हें न्याय दिलाने की बात कहाँ से आई, आपके दिमाग में कैसे ये आया? ये देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हम स्टूडेंट बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर के रूप में हम स्टूडेंट के कल्याण के लिए लगभग 96 से अनवरत संघर्ष किए और उसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव, आंदोलन, प्रदर्शन ये होता रहा। बहुत से एजुकेशन माफिया के विरुद्ध हमको लड़ाई लड़ना पड़ा, उसमें भी हम बहुत प्रताड़ित हुए। उसके बाद हमने जो LLB की डिग्रियां ली थी तो वो हम पटना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करा के हमको हुआ कि ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं तो वकालत में एक ये भी हथियार होना चाहिए, हो जाएगा, मतलब हथियारों के संग्रह में आप लगे। हाँ, जैसे आरटीआई का हथियार बस है ना। तो उसमें उसके बाद हम 2007 में एडवोकेसी ज्वाइन किए मधेपुरा में जी। कुछ दिन तक हम काम किए और बहुत सारे गरीब लोग को देखते थे, कोर्ट का चक्कर काटते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर आते थे तो हम वहाँ पर टेबल पर भी उनको समझाते थे कि ये मुकदमा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। इसी बीच में आरटीआई कानून देश में लागू हुई, जो देश की संसद ने 2005 में लागू किया और 12 अक्टूबर 2005 को देश में आरटीआई लागू हुई। और ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें आम आदमी ही देश का मालिक होता है। बिल्कुल, इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है वह क्या, कहां और कैसे काम कर रही है। इसके साथ ही हर नागरिक इस सरकार को चलाने के लिए टैक्स देती है, इसलिए भी नागरिकों को यह जानने का हक है कि उनका पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन हमने देखा कि विभिन्न कार्यालयों में कोई साधारण व्यक्ति, निसहाय व्यक्ति जाते हैं तो उनको ऑफिसर के द्वारा उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता, डांट के भगा दिया जाता, था। उनको क्या कहते हैं, उनके काम को देखेंगे क्या, उनके डर से ही वो चले जाते थे, बाढ़ में बैठे हुए हैं। और इन सब की लड़ाई मैंने लड़ते हुए जब कोर्ट में आया तो यहाँ पर हमको हुआ कि जो आरटीआई जो ये कानून बनी है इसका हम सरजमीन पर और आम लोगों के बीच इस कानून को
प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और इससे आम आवाम को, गरीब लोगों को इससे न्याय मिलेगी। और इसके तहत हमने बहुत से देश स्तर के आरटीआई एक्टिविस्टों से हमने संपर्क किया और इसके बाद हमको फिर जो लड़ाई हम एक जिले के बड़े पदाधिकारी से किसी मुद्दे पर हो गई तो बहुत सारी बातें करने लगे। एक पदाधिकारी जो लेडीज ऑफिसर थी उनके माध्यम से मेरे ऊपर ढेर सारे जो सीआरपीसी की सबसे खराब से खराब सेक्शन है वो मेरे ऊपर लगा अच्छा, के मतलब जो इनको किस तरीके से इनकी आवाज को दबा दिया जाए, जो ये जेल में सड़ जाएंगे, ये करेंगे और यहाँ पर हम करप्टों की फौज जो है वो गरीब लोगों पर हम अपना जैसा राज कर रहे हैं, जैसा राज कर रहे हैं करते रहेंगे। तो ये देश में जो आरटीआई एक्ट लागू हुई तो उससे मुझे प्रेरणा मिली, हम पढ़े कि निश्चित रूप से ये कानून जो है आम आवाम के लिए बनी है, इसका क्यों नहीं हम सर जमीन पर इसका उपयोग करें। तो वहीं से हम आरटीआई को जेहन मिला और एक जिले के बड़े पदाधिकारी थे जो हमारे आंदोलन को, प्रदर्शन को वो देखकर आश्चर्यचकित रहते थे और बताए कि जोशी जी आप इतना एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, क्यों इसमें आप इतना दिमाग लगाते हैं, इसमें आपका तन मन धन और लोगों की परेशानी, धूप में आते हैं चिलचिलाती धूप में, दलित गरीब लोग को आप एक जगह हजारों की संख्या में मंगा लेते हो और इससे विधि व्यवस्था भी प्रभावित होती है और जो करप्ट ऑफिसर हैं उनके द्वारा उन पर अत्याचार होता है, मारपीट करवा दी जाती थी, लाठीचार्ज कर दिए जाते थे। तो वो समझाए कि आप जो है ये आप आरटीआई जो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है इनको आप उपयोग में लाए और देखिए कि कैसे करप्ट ऑफिसर सब जेल जाते हैं। तो मैं वैसे यहाँ के मधेपुरा के एक आईएएस ऑफिसर थे, मैं उनको इस आपके एमटी लाइव के माध्यम सुने मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उनके ही प्रेरणा से हम आरटीआई को इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ते हुए गरीब बेसहारा का हम हथियार बने और उन लोगों के न्याय के लिए हमने काफी संघर्ष किया, यहाँ तक कि जेल भी हम गए। लेकिन जेल गए तो उनसे भी मेरी हौसला और ताकत जो है बढ़ गई, जेल में भी बहुत सी बातें हुई तो उसी से हमको प्रेरणा मिली और आरटीआई को मैंने अपना हथियार बनाया। मतलब कि उनके मंसूबे पर पानी फिर गया, आपके जेल जाने के बाद भी आपकी हिम्मत नहीं टूटी, हिम्मत नहीं और हम मजबूत हुए और जेल में भी बहुत सी बातों को हमने एक्सपोज मतलब किया। ये फिर लगा होगा अब तो जेल भी चले ही गए, अब तो जेल भी चले गए तो अब क्या डरना है, अब क्या इससे ज्यादा क्या करोगे, क्या करोगे। बिल्कुल, हम आपको ये चीज बता दें, डॉक्टर राजीव जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, निष्कर्ष ये है कि जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में, जो अधिकारी हैं जो नेता हैं वो मालिक नहीं है, वो सेवक हैं, वो हम लोगों के आप देखेंगे कि लिखा भी रहता सरकारी सेवक, अधिकारियों में भी लिखा रहता सरकारी सेवक और फिर कर्मचारियों में भी लिखा रहता है जनता असली मालिक, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें ये एहसास दिलाते रहना भी जरूरी है कि आप सेवक हैं, आप सेवक की तरह रहें, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमारे पास आपके खिलाफ लड़ने के लिए हथियार मौजूद हैं। जब वो हथियार जिस हथियार को डॉक्टर राजीव जोशी ने जमा किया, कई हथियारों को इन्होंने जमा किया, जैसे उन हथियारों में आपको आरटीआई का तो सूचना के अधिकार का तो हथियार है ही, लोक शिकायत निवारण जो है वो अधिकार उसका हथियार है और फिर जैसे वकालत का हथियार इनके पास, ढेर सारे हथियार और हमें लगता है कि तब ही ये सफल हुए। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर और फिर आगे हम और भी जानते हैं इसके बारे में कैसे इसमें क्या करें, आप भी कैसे भ्रष्टाचार को उजागर के लिए कैसे आगे आएँ उजागर करने के लिए और कैसे आप लड़ें भ्रष्ट तंत्र से, कैसे लड़ें इसका भी कुछ हम क्लू जानेंगे। अखिलेश आनंद कहते हैं आप जैसे समाज सेवी का होना बहुत जरूरी है। आफ्ताब राजा कहते हैं जोशी सर मेरे गांव के हैं, घैलार से प्रणाम सर, आपको आफ्ताब राजा कह रहे हैं। सुजल रोशन कह रहे हैं आज के समय में डॉक्टर राजीव जोशी के काम की जितनी तारीफ किया जाए कम है। इंजीनियर दीपक कुमार यादव कह रहे हैं लोक शिकायत मधेपुरा सिर्फ डेट पर डेट देता है, सॉल्यूशन नहीं करता है, कितने समय में सॉल्यूशन होना चाहिए ये कह रहे हैं। संतोष कुमार कह रहे हैं राइट वो। मोहन कुमार जी, विभीषण कुमार कह रहे हैं आरटीआई की जानकारी के लिए एक अच्छी पुस्तक का नाम बताएं,
हमें लगता है कि राजीव जी आपकी जो पहली किताब जो हम आपके पास देख रहे हैं, जो आपका सबसे बड़ा अभी भी पुरानी किताब वो रखी हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि ये किताब भले पुरानी हो गई है लेकिन इसकी धार जो है अभी भी वो नई है। हम लगता है कि ढेर सारी किताबें हैं राजीव जी, अभी जो किताब है वो प्रीतम लाह हाउस का बिहार लोक शिकायत निवारण का ये है और RTI का भी यहाँ है, विशाल लॉ एजेंसी का, कोई भी हमें लगता है कि जो अच्छे पब्लिकेशन की किताब है वो उससे जो है एक जानकारी ली जा सकती है। मोहन कुमार गुप्ता कहते हैं अवसरवादी तो वर्तमान में भी हावी है। सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें साफ साफ दर्शाया गया था कि IAS IPS बनने वाले 80% गरीब घर से ही होते। सोचने योग्य बात है, जब 80% IAS IPS गरीब घर से ही होते हैं तो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल बड़ी हम समझते हैं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। खैर आप जैसे समाजवादी हों तो गर्व महसूस होता है, साथ ही साथ एक साहस भी बढ़ता है कि RTI के सहारे ही सही कम से कम समाज का कल्याण तो होता है। ये हम एक चीज़ कहते हुए हमें गुरेज नहीं है कि आप देखें कि IAS IPS UPSC की जब UPSC सिविल सेवा के परिणाम जब आते हैं तो हम लोग भी सीना चौड़ा करते हैं, हमारे इलाके से ये निकले वो निकले, इन्होंने किया उन्होंने किया। यहाँ तक कि माना जाता है कि उनकी जो किताबी ज्ञान के साथ साथ जो प्रैक्टिकल या बाकी सारे चीज़ जो इंटरव्यू में, एक सिविल सेवा का जो इंटरव्यू होता है और जो परीक्षा होती है वो काफ़ी कठिन होती है, और हम समझते हैं कि उसमें हर तरह से वो देख करके ही सेलेक्ट किया जाता है कि जो इनके पास कितनी योग्यता है क्षमता है, लेकिन उसके बाद भी अगर देश में भ्रष्टाचार है, उस लेवल पर भ्रष्टाचार है, तो फिर हम तो ये कहेंगे कि लानत है वैसी पढ़ाई का, लानत है वैसे जो कि टॉप करते हैं या फिर बाकी जो है सफल होते हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार अगर मिट नहीं रहा है तो ये अपने आप में ये लगता है कि आखिर कौन सी पढ़ाई उन्होंने की थी। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर, फिर हम आते हैं चूँकि आज बातें हैं RTI एक्टिविस्ट के साथ में, तो हमारी भी आवाज़ थोड़ी सी तल्ख होती जा रही है, और चूंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, एक समाज का एक कोड है, तो हम ढेर सारी बातें करेंगे जो बातें संभव है कि बहुत सारे लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन हम करेंगे आपके लिए करेंगे। अशोक कुमार झा कहते हैं राजीव जोशी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चलाए जा रहे कार्य हमेशा से सराहनीय प्रयास रहा है जी। आगे इन्होंने बिल्कुल आप अपने हम समझते हैं कि अपने जगह बिल्कुल ठीक है। अशोक कुमार झा कहते हैं फिर से पढ़ते हैं राजीव जोशी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे कार्य हमेशा से सराहनीय प्रयास रहा, लेकिन विडंबना है कि जब अलविदा हो मुल्क से इंसाफ जन्नत को चले, खल की इमदाद करने 3 बेटे रह गए, सबसे बड़े रिश्वत अली मझले सिफारिश खान हैं, छोटे खुशामद बेग तीनों की निराली शान है, कत्ल के भी जुर्म में रिश्वत अली की होती जीत, सख्त हाकिम मोम हो गाता उसी का गीत, गर नौकरी मिलती नहीं मिल सिफारिश खान से, योग्यता कुछ भी नहीं पर कर हुकूमत शान से। सर जब वर्तमान में इस तरह की बात है तो अकेले राजीव भाई क्या कर लेंगे। बिल्कुल सही लिखा अशोक कुमार झा जी ने, और खास करके आपकी ये कविता जो है ये हमें लगता है कि ये फैक्ट के बिल्कुल करीब है, सत्य के करीब है। लेकिन आपने एक कहानी सुनी होगी, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सुनी थी कि जब कहीं पर एक बस्ती में जब आग लगी थी तो लोगों को लग रहा था कि ये आग नहीं बुझेगी, उसी समय में जो है एक छोटी सी चिड़िया जो थी एक बूंद लेकर के बार बार जाती थी और आग पर वो फेंकती थी वो, तो लोगों ने बाकी जो थे वो उन्होंने उस चिड़िया पर हंसा कि इतने बड़े आग को तुम्हारे चोंच में जो बूंद है ये बूंद बूंद से कैसे तुम बुझाओगे, तुम बेवकूफ़ हो। चिड़िया ने ये कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी जिसने एक प्रयास तो किया उसने। तो राजीव जोशी जी जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था बदले या ना बदले, एक प्रयास के रूप में इनका भी इतिहास या ऐसे लोगों का भी इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए हमें लगता है छोटे स्तर पर ऐसे उस चिड़िया की तरह हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कुणाल कृष्ण मंडल कहते हैं राजीव जी का स्वागत है, कस्तूबा कह रहे हैं सराहनीय, ज्वाला सिंह कह रहे हैं प्रणाम जी। टिप्पणियां आ रही हैं, हम इस बीच में ये जानना चाहेंगे कि हमें एक चीज़ हमें राजीव जी बताएं कि सूचना के अधिकार से अभी भी बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, नाम तो सुने हैं लेकिन कैसे उसका प्रयोग करें क्या करें जबकि अनभिज्ञ हैं, या कुछ लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि किसी अधिकारी के खिलाफ में अगर हम सूचना के अधिकार का प्रयोग करेंगे तो ये जो एक कॉकस है, एक जो चैनल है भ्रष्टाचारियों का, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, इससे डरते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि डरने की बात नहीं है, एक बस हमें लगता है कि एक बूंद, वही बूंद जो पानी की
जो चिड़िया ने अपने चोंच में लिया था, उसी तरह एक एक बूंद की जरूरत हम सभी को आगे आने की जरूरत है। हम राजीव जी से पूछना चाहेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करें, मतलब आरटीआई के इस हथियार का प्रयोग एक आम लोग कैसे करें, क्या उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीका क्या है। देखिए, आरटीआई का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो आपको निडर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप गांव घर में अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है, और हम लोगों का प्रयास रहा है कि विभिन्न जगह और खास करके वो केंद्र की सरकार हो कि बिहार की सरकार हो, और बिहार सरकार के द्वारा सभी जिले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग खोली गई है, और सरकार की ये दायित्व बनती है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, खास करके सूचना का अधिकार, और बिहार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो लागू किए हैं, हम तो ये आपके एमटीवी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बधाई देना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो 2016 है, इस माध्यम से बहुत लोगों को न्याय मिल रही है। और एक साथी हमारे साथ संतोष जी कमेंट किए थे, कमेंट में लिखे थे कि डेट पर डेट होती है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसे साथी को हम कहना चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, जो लोक शिकायत निवारण कानून, दीपक कुमार यादव जी ने, इंजीनियर दीपक कुमार यादव जी की वो टिप्पणियां थी कि जो डेट पर डेट, इंजीनियर दीपक कुमार जी के, तो डेट पर डेट होता क्या है कि आप जो लोक शिकायत निवारण कार्यालय जिले में दो जगह स्थापित है, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी है, और जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी है। तो अनुमंडल, जैसे आप उदा किशुनगंज अनुमंडल में भी उदार ये लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, मधेपुरा में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, और अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निकट से जो भी आदेश पारित होती है तो उनका जो है प्रथम अपील जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मधेपुरा के यहाँ दायर की जाती है। तो हो सकता है कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को जो इनके कार्य के अलावे जिले में अन्य दूसरे कार्य में भी लगा दिए जाते हैं, तो हो सकता है उस तिथि को उस रोज सुनवाई नहीं हुई, उनको फलाने जगह जाना पड़ा, तो इस वजह से डेट पड़ जाती है। तो लेकिन जो सरकार के मुख्य सचिव हैं, उनका एक स्पेशल लेटर भी निकला है सभी जिला पदाधिकारी महोदय को, वो फॉरवर्ड किए हुए हैं कि जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आपने दूसरी ड्यूटी में इन्वॉल्व कर रखा है, उनको आप छोड़ के लोक शिकायत निवारण के रूप में ही रखें। तो इधर इस पर सुधार हुई है, और खास करके हमारे मधेपुरा जिला में जो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी है, इनके यहाँ तो हम देखते हैं कि बराबर सुनवाई होती है, लेकिन कुछ दिन पहले अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ ये शिकायत आती थी कि यहाँ पर डेट होती है, लेकिन अब वहाँ भी काम सुचारू रूप से चल रहा है, मतलब स्पीड उसमें आ चुका है, गति आ चुकी है, जी। तो हमें लगता है कि ये ढेर सारी समस्याओं का समाधान जो है अब होने लगा है उसमें बहुत सारा। अच्छा, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार है, अगर कोई पदाधिकारी, जो हम सबसे पहले जिस पदाधिकारी के पास किसी सूचना के लिए अपना एप्लीकेशन देते हैं, मान लीजिए उसने सूचना हमें उपलब्ध नहीं कराया उस अधिकारी ने, तो फिर क्या इसका अगला क्रम क्या है, कैसे हम उसे प्राप्त करें। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, एक साथी हमारे बोले कि ये बुक हमको बताइए, तो अगर आप जिले में कोई पुस्तक भंडार है उनके पास अवेलेबल हो तो आप वहां से भी ले सकते हैं, या अगर कोई पटना जाते हैं तो वहां सचिवालय के बगल में सड़क पर ही वो बेचते रहते हैं, या नहीं ऐसे साथी अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क करना चाहे तो कुछ नहीं है, दो चार पन्ने का फोटो स्टेट करके दे देंगे, उसी में सारा चीज है, उसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये चीज है, दायर करने की बात हुई, तो एक फॉर्मेट आता है प्रपत्र को,
कि हम किस विभाग से कौन सा सूचना हम लेना चाहते हैं। अब जैसे कोई इंदिरा आवास योजना के लाभुक है तो वो इंदिरा आवास योजना के लाभुक उसमें क्या कहते हैं प्रपत्र को में भरेंगे जो संबंधित प्रखंड के जिस पंचायत के हैं तो वहां पर एक आवेदन लिख लेंगे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के नाम से, और आवेदन के साथ साथ वो फॉर्मेट में नहीं, ये हम ये लोक शिकायत निवारण की बात करने लगे, ये सूचना का अधिकार जो है प्रपत्र को में आपको फॉर्मेट भरना है। अगर आप बीपीएल धारी परिवार के हैं तो बीपीएल का जो आपको कार्ड मिला हुआ लाल कार्ड उनकी आप छाया प्रति लगा के स्व भी प्रमाणित करके वहाँ सिग्नेचर करके उस आवेदन के साथ लगा देंगे तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप वो लगाना नहीं चाहते हैं तो 10 रुपये का पोस्ट आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर या नॉन जुडिशियली स्टाम्प स्टाम्प भी चल सकता है तो या बैंक ड्राफ्ट ये सब देकर आप उसमें भर के फॉर्मेट के साथ, और आपको क्या सूचना लेना है वो फॉर्मेट में लिखी हुई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हमें ये सूचना चाहिए आपको, कुछ कुछ इस तरह का ये नहीं है, ये पूरा नहीं है। हम आपको ये बताते चले बीच में कि सूचना के अधिकार के बारे में बेसिक रूप से जानने के लिए जो है वो इंटरनेट पर भी कई मटेरियल उपलब्ध हैं। हमने चूँकि आज डॉक्टर राजीव जोशी जी के साथ में इस पर हमें करना था तो हमें लगा कि थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम भी ले लें, चूँकि ये तो इसमें महारत हासिल किए हुए हैं, हमें भी कुछ ताकि बोलने में कुछ गलती ना हो जाए इसलिए हमने भी इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के हम भी इसको पास में रखे हुए हैं। हमें लगता है कि जी हमें लगता है 3-1 पत्र का ठीक है। हमें लगता है इसमें भी आप जब करेंगे ये 16 पन्ने का जो है इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, इसमें भी प्रपत्र क है ये भी है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने रुपये तिथि ब्लैंक है रसीद संख्या इतना से भुगतान किया है, नोट में लिखा हुआ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस दे नहीं, जैसा राजीव जी ने बताया अभी, और फिर इसमें भी लिखा हुआ है कि आवेदक का नाम पूरा पता और मांगी गई सूचना का ब्यौरा और किस कहां से मांगना है विभाग कार्यालय का नाम ये देने वाली बात, तो इस तरह कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बात तो आती है कि चलिए हमने एक प्रपत्र इसने क जो है इसके RTI के तहत इसके तहत हमने फाइल कर दिया उसे, तो कैसे उसे भेजें, मतलब बाय पोस्ट भेजें या फिर कैसे कार्यालय में जमा करें, कैसे करें वो प्रपत्र को भर के उसमें जो आपको बताए कि राशन कार्ड अवेलेबल है तो उनकी सभी प्रमाणित छाया प्रति करके लगा दीजिए या 10 रुपये का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर लगा के उसमें दीजिए, और उस फॉर्मेट को अगर आप सीधे लोक सूचना पदाधिकारी के कार्यालय जाते हैं तो उसी के साथ उसी फॉर्मेट में प्रपत्र को के साथ पीछे वाले पेज में प्रपत्र खो रहता है। अच्छा। तो वो संबंधित पदाधिकारी के असिस्टेंट उनको भर के, अच्छा वो पावती है, पावती रसीद तो वो उनको दे देंगे, तो आपको वो हो गई, और 30 दिनों के अंदर लोक सूचना पदाधिकारी आपको सूचना उपलब्ध कराने का ये रूल है कि पाने के 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना है, लेकिन कोई अधिकांशता जो ऑफिस में रहते हैं वो डायरेक्ट वो रिसीव करना पसंद नहीं करते हैं और सोचते हैं कि ये RTI है हमको जवाब देना से, है से गला फसावे, गला फसावे तो वो हिचकते हैं, बोलते हैं दे दीजिए आप चले जाइए, और बहुत से पदाधिकारी टालते रहते आप क्या कीजिएगा सूचना लेके, आपको ऐसे मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए पोर्टल पर हम दिखा देते हैं ये लीजिए, आपको बैठा के बढ़िया चाय पिला देते हैं, तो लोग इसी में खुश हो जाते हैं, सोचते हो क्या अपना संबंध खराब करें, लेकिन ये अपने जवाबदेही से भागने से कम नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर वो रिसीविंग नहीं देते हैं, आपको पावती रसीद नहीं देते हैं, तो उसी फॉर्मेट पर अगर आप संबंधित प्रखंड कार्यालय भेजते हैं, अंचल अधिकारी कार्यालय भेजते हैं या किसी विभाग के कार्यालय भेजते हैं तो एक लिफाफा पर आप लिखिए उनके नाम से पद पदनाम देकर और फॉर्म में अपना एड्रेस देकर जिस पर आपको सूचना चली जाए तो वो पूरा एड्रेस लिखकर आप उनको पोस्ट कर दीजिए, आपके पास जो वो रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट
कॉपी रहेगी वही पाप। हमें लगता है कि एक ध्यान जरूर रखना होगा कि साधारण डाक से इसे ना भेजे, साधारण डाक से नहीं, या फिर साधारण डाक का चूंकि हिसाब किताब कहीं रहता नहीं है, हो सकता है वहाँ जो है वो गालमेल हो जाएगा, वो कहेगा जो हमको प्राप्ति नहीं हुआ, इसीलिए रजिस्टर्ड भेजे ताकि वो है। हम टिप्पणियों पर अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए उसने अगर उस पदाधिकारी ने 30 दिन के अंदर में नहीं दिया सूचना, अगर PIO जो लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं वो बरगला दिए, कुछ कर दिए, नहीं देना सूचना, अपने असिस्टेंट को बोल दिया ऐसे रख दो, तो आपके पास जो पावती रसीद है या रजिस्टर्ड डाक की कॉपी है उनको लगाकर और आपने जो सूचना फाइल किया है प्रपत्र को में उनकी छाया प्रति, पोस्टल ऑर्डर या स्टाम्प की छाया प्रति लगाकर प्रपत्र 6 जो प्रथम अपील का फॉर्म है उनको भर के उसमें भी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर डालिए या BPL कार्ड की छाया प्रति लगाइए, आप अपीलीय प्राधिकार को भेजिए, वो उस अपीलीय प्राधिकार के द्वारा आपको 45 दिनों के भीतर या तो वो सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सुनवाई करेंगे, संबंधित लोक प्राधिकार को बुलाएंगे, या नहीं तो वहां से आपको एक आदेश पत्र जाएगा कि आपके मांगी गई सूचना को हमने फलाने पदाधिकारी को भेज दिया है, वो सो समय आपको सूचना दे देंगे, तो ये कार्रवाई प्रपत्र 6 में चलती है। अच्छा अच्छा, और फिर कहने का मतलब कि उससे ऊपर के पदाधिकारी को फिर हम दें अपील में। हाँ, फिर उससे जी। हाँ, अगर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी जैसे हमारे BDO CO साहब के अपीलीय पदाधिकारी SDO साहब होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को प्रपत्र 6 में हम भर के देते हैं, वहां से हमें सूचना उपलब्ध किसी कारणवश नहीं उपलब्ध कराई जाती है, तो हम सीधे अपीलीय पदाधिकारी को जिस दिन हमने दाखिल किया उसके 45 दिन के अंदर 45 दिनों के बाद हम राज्य सूचना आयोग में एक साधारण एप्लीकेशन लिखेंगे या फॉर्मेट भी है वो भर के जो और जो हमने प्रपत्र को में प्रपत्र 6 में जो हमने सूचना की मांग किया था उसकी छाया प्रति लगाएंगे, जो पोस्टल ऑर्डर या जो रजिस्टर्ड डाक की कॉपी है वो लगाएंगे और उस फॉर्मेट को भर के वहां भी 10 रुपये का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर हम राज्य सूचना आयोग में भेज देंगे और राज्य सूचना आयोग का पता भी सभी जगह वेबसाइट पर भी है, या कोई साथी नोट करना चाहे तो मैं भी लिखा सकता हूं, तो वहां पर आप भेजेंगे तो बिहार राज्य सूचना आयुक्त के निकट वो सुनवाई चलती है, वो प्रक्रिया होती है, वहां पर वो मामला दर्ज करेंगे, उसके बाद आपको नोटिस आएगी और संबंधित लोग ये जो अधिकारी हैं उनको भी नोटिस आती है, एक प्रक्रिया के तहत वहां सुनवाई चलती है, और जो उसमें अगर आपको स्वसमय सूचना नहीं दी गई है आप वहां जाते हैं अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखते हैं कि हमको बेवजह परेशान किया गया, हमको सूचना नहीं दिया गया, तो विभिन्न तिथियों पर वहां सुनवाई होती है और वहां पर सुनवाई के दौरान सेक्शन 21 के तहत आपको सूचना तो उनसे उपलब्ध करवाएंगे ही, उसके साथ साथ लोक सूचना पदाधिकारी को 21 के तहत 250 रुपये प्रतिदिन की दर से मैक्सिमम 25,000 25,000 रुपये का जुर्माना वहाँ जुर्माना भी लगेगा। और अगर आप चाहेंगे कि 20B(2) के तहत उन पर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई चलाने का भी प्रोविजन है, और ये एक्ट में 28 के तहत ये भी प्रोविजन है कि ये जो राशि वसूली गई है ये अप्लीकेंट को हर जाने के रूप में उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक तो हम लोगों को हर जाना नहीं मिली है, लेकिन सरकारी कोष में जरूर जमा कर पाए, सरकारी कोष में जमा। हाँ। लेकिन एक बात जरूर इसमें हुई होगी कि आपको अंतिम सूचना जो है इतने फजीहत के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से उन्होंने दिया होगा, और साथ ही साथ जब इतनी फजीहत हो ही जाए ऐसे पदाधिकारी जो नहीं दे सूचना देने में इतना विलंब करें, तो उसे हमें लगता है कि जो इस चीज़ की पूरी जानकारी मीडिया को भी दे ही दें अंतिम रूप से, वहाँ भी जो है उनके कार्यकलापों की चर्चा हर जगह हो ही जानी चाहिए, एकदम हो ही जानी चाहिए, उनका मनोबल तोड़ना जरूरी है। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार
के दलदल में है। हम आपको एक चीज इस बीच में जानकारी आपको बताते चलें जो हमारे पास जानकारी है कि बहुत सारे विभाग, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिन्हें सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। जैसे ये सेक्शन 24 के अनुसार इसमें है कि दूसरी अनुसूची में जो केंद्रीय सतर्कता सुरक्षा एजेंसी जैसे आईबी रॉ, राजस्व सतर्कता निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक सतर्कता ब्यूरो, कार्यान्वयन निदेशालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, उड्डयन अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स, विशेष सेवा ब्यूरो, विशेष शाखा सीआईडी, अंडमान निकोबार अपराध शाखा सीआईडी, सीबी दादरा नगर हवेली तथा विशेष शाखा लक्षद्वीप पुलिस, राज्य सरकारों के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से कुछ एजेंसियों को इसमें छोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक बात और है कि इस अधिनियम से इन संगठनों को छूट दिए जाने के बावजूद इन संगठनों को घूस और मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधित आरोपों के बारे में सूचना प्रदान करने की बाध्यता होगी। वैसे विभाग को भी इसके अतिरिक्त मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोप से संबंधित सूचना केंद्रीय राष्ट्र सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद दिया जा सकता है। ये सेक्शन 24 है, तो कोई भी हमें लगता है इससे शायद बच नहीं सकते हैं, देना ही होगा। हम आते हैं कुछ बेहतरीन टिप्पणियों पर, चूंकि ये ऐसा मुद्दा ही है, हम समझते हैं कि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, आम आदमी और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने से मुद्दा है, और ये न्याय वो सरकारी अधिकारी नहीं दिला रहे हैं। यहाँ इसके कंडीशन में है कि सरकारी अधिकारी जो न्याय दिला रहे हैं वो अपने अपनी योजनाओं के माध्यम से दिला रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये कमियां होती है, जहाँ ये जो अनियमितता होती है वगैरह, तो वहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के न्याय दिला सकता है एक बड़े वर्ग समूह को। उदाहरण के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव जोशी हैं, जिनके इस सूचना के अधिकार के हथियार के माध्यम से इन्होंने ढेरों को न्याय दिलाया है। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर, फिर और भी बातें करते हैं हम। जी यादव रुपेश कहते हैं, जिस जमीन में विवाद है उस जमीन की शिकायत कैसे कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं जिस जमीन में, हमें लगता है ये तो टाइटल सूटी है, ये कोर्ट का मामला, ये कोर्ट का मामला हो जाता है। जमीन में अगर अतिक्रमण है जी, तो अतिक्रमण से संबंधित मामले आप लोक शिकायत निवारण में ले जा सकते हैं। जी जी हाँ, तो ये इसकी कुछ जो है हमें लगता है लिमिटेशन है। सुधांशु यादव कहते हैं आईपीओ पर नाम भी भरना है सर, आईपीओ पर नाम भी, इंडियन पोस्ट ऑर्डर पर नाम भी भरना है। रंजय कुमार रंजन जी की टिप्पणी है, कहते हैं सूचना का अधिकार आम आदमी का बहुत बड़ा हथियार है, एक साधारण व्यक्ति भी किसी भी बड़े अधिकारी से अपने कार्य में हो रहे विलंब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। संतोष कुमार कहते हैं सर अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक करें, हम पूछ लेंगे राजीव जोशी जी से कार्यक्रम के बाद कि मोबाइल नंबर सार्वजनिक इनका किया जा सकता है कि नहीं, ऐसा होगा तो हम टिप्पणी में डाल देंगे। चंदन यादव कहते हैं राजीव जोशी भाई हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सूचना का अधिकार को हथियार बनाकर समाज के अंतिम व्यक्ति को भ्रष्टाचार के मकरजाल से बचाने की कोशिश में रहते हैं। ये चंदन यादव जी लिख रहे हैं। सुजल रोशन कह रहे हैं राज्य सूचना आयोग में अधिक दिनों तक मामला लंबित रहता है, ये इनकी शिकायत है कि राज्य सूचना आयोग में अधिक रहता है। चंदन यादव कहते हैं राजीव जोशी भाई हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सूचना का अधिकार को बनाकर ये मकरजाल से बचाने की कोशिश में रहते हैं। हम और भी बातें करेंगे, डॉक्टर राजीव जोशी हमारे साथ हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट और आरटीआई के एक जाने माने एक हस्ताक्षर हैं जिले में, या कहें कि अगर राज्य भर के भी आंकड़े अगर जमा किए जाएं तो हम समझते हैं कि हमारे ज़िले के डॉक्टर राजीव जोशी का नाम उसमें काफ़ी ऊपर रहेगा। हम एक चीज़ आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि हजारों आरटीआई आपने फाइल किया, आरटीआई फाइल करने या फिर आरटीआई के माध्यम से जो उजागर मामलों को उजागर घोटालों को उजागर करने के मामले में हमने देख लिया है कि देश भर में कई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या भी हुई, तरह तरह की प्रताड़ना भी हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे राजीव जी कि इतने आपके जीवन में आरटीआई एक्टिविस्ट होने के बाद सबसे कठिन समय कब आया? सबसे कठिन समय 2010 में एक जिले के बड़े पदाधिकारी यहाँ थे, तो उस समय में हमने जब आरटीआई से उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इच्छुक हुआ तो एक वीडियो को उन्होंने हथियार बना लिया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा। और वहाँ पर उसी दौरान हमने दलित महादलित और समाज के जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं
उन लोगों को इंदिरा आवास योजना में जो धांधली हुई थी, गरीब लोगों को 3 डिसमिल जमीन के लिए पर्चे नहीं मिल रहे थे, सरकार ने राशि भेज दी लेकिन सीओ के द्वारा जमीन जो विवादित जमीन था वो खरीद के इधर सुधर कर रहे थे, तो इन सभी बातों को लेकर और अन्य सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मामले थे उनको लेकर हम लोगों ने वहाँ एक आवेदन देकर जो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से जो आदेश होता है जो धरना प्रदर्शन का वो लेकर हम लोगों ने एक धरना किया। और उस धरना में ऐसी हालातें उत्पन्न हो गई जो लोग काफी तंग थे, परेशान थे, हजारों की संख्या में पहुंच गए और हजारों की संख्या में पहुंचने के बाद पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध लोग नारेबाजी करने लगे, उसके बाद कुछ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हो गई जिसमें क्या कहते हैं हम लोग काफी यहाँ से एसपी साहब गए थे, डीएसपी साहब गए थे, डीसीएलआर साहब, बहुत लोग गए वहां पर, वीडियो को रूम में पब्लिक के द्वारा बंद कर दिया गया था, एक माहौल ही दूसरे तरह का हो गया था, तो सभी लोगों के प्रयास से फिर बाहर लाया गया और सारा स्थिति को सामान्य करके जिले के बड़े पदाधिकारी वहां से आए। और उसके बाद यहाँ के एक जो जिले के बड़े पदाधिकारी थे उनको लगा कि यही हमें अवसर है ऐसे व्यक्ति को जेल में ठूसने का, और वो उन उस वीडियो को यहाँ पर बुला के 2-3 दिन के बाद एक एफआईआर करवाते हैं कि राजीव जोशी ने रंगदारी मांगा, महिला वीडियो के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर, ये जानलेवा हमला किया, रंगदारी मांगा, तरह तरह की धाराएं लगाकर मेरे विरुद्ध वो एफआईआर करवा दिए। उसके बाद एफआईआर कराने के बाद जब हमारे वकील साहब या एंटी सेपरेटरी बेल मूव किए तीसरा या चौथा दिन, तो कोर्ट से जैसे ही निकलते हैं पूरे जिले भर के पुलिस बल को बुला के बगैर पुलिस के बड़े पर्यवेक्षण प्रतिवेदन का, बगैर कोर्ट के गिरफ्तारी आदेश, कोई बड़ा देश का बड़ा बहुत बड़ा टेररिस्ट यहाँ पर आ गया, इस तरीके से चारों तरफ से जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है उसी तरीके से घेर कर यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जोशी। अच्छा। हम पूरे डर गए, सैकड़ों राइफल बंदूक के साथ, और बोलने लगे कहीं कहीं राजीव जी आक्रमण न कर दे, आक्रमण नहीं कर दे। और हमने कहा कि आप मुझे मेरे गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए, पुलिस का बड़ी प्रतिवेदन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन दीजिए, हम कोई ये लेमेन नहीं है, हम भी रीजनेबल पर्सन है, हम सोशल वर्कर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं, सब बोले मैं जेल में सरा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो दौड़ जो था मेरे लिए बहुत खराब था और हम जेल गए, परिवार के लोग भी बहुत विचलित हुए और हम अंदर से टूटे। लेकिन जब जेल गए तो हमें लगा जेल में जो कैदी लोगों के साथ जो वारदातें वहां होती है, किस कष्ट में वो लोग रहते हैं, तो मुझे लगा कि जेल भी आना बहुत बड़े बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था मेरे लिए कि उन व्यक्तियों की समस्याओं को भी हमने नजदीक से जानने का प्रयास किया और उस पर भी हम कुछ अपने तरफ से कुछ कार्य किए। बहुत से कैदी के बारे में कुछ पदाधिकारी जो ऑनेस्ट हमारे ऑफिसर लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ के उन लोगों के लिए भी बहुत सा काम किए। तो ये स्थिति 2010 की थी, वो सबसे कठिन दौर कठिन था और जब वो जाने लगे तो मेरे ऊपर जाने क्रम में चुनाव आदर्श आचार संहिता जो लगती है वो रात को घोषणा होती है, वो रूल है कि अगर रात में घोषणा हुई तो 24 आवर के अंदर जो है जिले के बड़े पदाधिकारी सभी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाकर एक बैठक आयोजित करेंगे, जो किसी का अगर कहीं पर बैनर झंडा या कोई हुड है तो वो आप उतार लें, अन्यथा आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रात में 12 बजे आप चुनाव आदर्श आचार संहिता लगती है, वही बैनर वही जो पर्चा था प्रदर्शन का धरना का उसी को आधार बनाकर 8 मुकदमा घेलार थाना में दर्ज कर दिया गया। तो एक व्यक्ति थे डीएसपी साहब थे उनको ये बुरा लगा, 4-5 मुकदमा तो थाना में ही मेरा समाप्त करवा दिए और कुछ मुकदमा इधर हाल में हमारे जो सहयोगी साथी लोग हैं एडवोकेट लोग
उनसे हमें काफी मदद मिलती है कि हमें कोर्ट में बहुत ये सशक्त हथियार है हमारा एडवोकेट, उनके द्वारा हमें मदद मिला और बहुत से केस को हमने अपने साथियों के माध्यम से डिस्पोज करवाया। और कहीं से भी इस लड़ाई में हमारे एडवोकेट साथी, चाहे वो संजीव जी हों कि पंकज भाई हों, आलोक जी हों, ऋषिकेश जी हैं, ये लोग हमें काफी मदद करते हैं कि जोशी भाई आप अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए, हम लोग आपके साथ हैं। और बहुत मदद मिलती है, हम इन लोगों को थैंक्स करना चाहते हैं आपके एमटी लाइफ के माध्यम। हमें लगता है कि हाल में भी कोई 188 सीआरपीसी वाला कोई मामला चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन 2005 में जो उस वो हाल में खत्म हुआ, ये इसी माह में जब जज साहब जाने लगे थे लक्ष्मीनाथ साहब जी, तो उसमें एक 2005 में हम मधेपुरा विधानसभा से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी बने थे जी, जी। तो उसमें ये चुनाव आयुक्त का घोषणा था कि जिन बूथों पर सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल की तैनाती नहीं होगी वहां चुनाव नहीं होगा। तो हमने घूमा तो देखा बहुत से बूथ होमगार्ड के सारे, चौकीदार के सारे चल रहा है, तो उसी बिंदु को इंडिकेट करके हमने धरना देने का ऐलान किया। और आए तो वहां पर हमारे नाम से पहले से ही गिरफ्तारी आदेश निकला हुआ था, बोले आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप धरना वापस लीजिए। तो हमने कहा हम तो गिरफ्तार होने के लिए आया हूँ, जो ये आपका मैसेज जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसी को हम आपके और मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं सरकार तक, चुनाव आयुक्त तक ये पहुंचाना, तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए। तो वही केस एक करेंगे तो बात और बात आगे जाएगी। तो वही केस मधेपुरा थाना में थी, तो GR 152 2005 जो लक्ष्मीनाथ साहब के कोर्ट में थे, और हमारे साथी लोग उसमें यही 5-6 रोज पहले उसमें हमको बेइज्जत बड़ी के साक्ष्य के, मतलब हर केस धीरे 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 समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है और जीत हमेशा जो है वो न्याय की ही होगी। अंतिम में कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो वो डॉक्टर राजीव जोशी बिल्कुल उदाहरण है उस चीज़ के कि परेशान हो सकते हैं लेकिन ये भी पराजित नहीं होने वाले हैं, पराजित नहीं हुए हैं। टिप्पणियाँ आ रही है, मनीष कुमार बंटी कहते हैं नीड ट्रांसपेरेंसी इन ईजी वे, मोस्ट ऑफ पीपल फील एज एस्टेरिक हिंडरेंस When government use some paperwork or follow government rules, can it easy? बिल्कुल संतोष कुमार कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर सही बात बोलने से किसी निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमें एक चीज़ की जानकारी दें और भी टिप्पणियाँ आ रही हैं, ढेर सारी टिप्पणियाँ हैं। ऋषु आनंद कह रहे हैं मधेपुरा टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आनंद जी आपका। हम एक चीज़ जानना चाहें कि आरटी एक्टिविस्ट जैसे कि आप भी प्रताड़ित हुए हैं, या फिर हमने देखा कि जिले में जो है राजीव गुप्ता जी की भी हत्या कर दी गई थी, देश भर से आरटीआई एक्टिविस्ट पर जो है सरकारी तंत्र या सरकारी भ्रष्ट तंत्र कहें, सरकारी तंत्र में भी जो अच्छे तंत्र हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसा राजीव जी के मामले में आपने देखा कि किसी एक वरीय पदाधिकारी ने इन्हें प्रेरित किया कि आरटीआई को हथियार आप बनाएं, आरटीआई को हथियार बनाएं और उजागर करें, तो ऐसे भी पदाधिकारी होते हैं। दूसरे किसी पदाधिकारी ने जब आरटीआई को इन्होंने हथियार बनाया तो फिर वो उन्होंने अपना हथियार दिखाना शुरू किया और इन्हें प्रताड़ित किया, चूंकि तंत्र उनका सारा तंत्र उनका, तो प्रताड़ित करना किसी भी व्यक्ति को उनके लिए आसान होता है। और यहाँ खास करके जो पीड़ित होते हैं, कहने का मतलब जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं उनके लिए लड़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक हौसला और धैर्य है जो कि करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा के प्रति जो है थोड़ी सरकार जो होना चाहिए वो सरकार लापरवाह, क्या लगता है आपको कि आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा? देखिए इस संबंध में हम लोग जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट बिहार स्तर और देश स्तर पर जो भी हमारे साथी हैं, बराबर हम लोगों की बैठकें भी होती है। इधर हाल ही में सहरसा में हमारे सुपौल के बहुत जुझारू साथी अनिल कुमार सिंह जी, और उनके नेतृत्व में ये क्या कहते हैं पटना में भी हम लोग कार्यकर्ता का एक मीटिंग किए थे और सहरसा में भी मीटिंग हुई थी। तो हम लोगों ने एक डेलीगेशन गवर्नर साहब के यहाँ भी मीट किए हैं, जो निश्चित रूप से जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। चूंकि हमारे एक साथी मधुबनी जिला के थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, कोई झाजी थे, पत्रकार भी थे, आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे,
तो उनकी हत्या कर दी गई थी और ये मामला काफी मीडिया में हमें लगता कुछ दिन पहले कुछ ही दिन एक माह दो माह पहले, दो पहले जी। हाँ, और एक जी। हमारे साथी मोतिहारी के रजी हसन है जी। और वो भी आए थे सहरसा, मीटिंग में बराबर आते हैं, और उनके मैंने जोश और जज्बा को देखा कि आरटीएस सूचना लेने के लिए उनको एक पैर गंवाना पड़ा है जी। और उसके बावजूद भी वो पटना के बेली रोड पर वो पर्चा जो हमारे साथी बोलते हम कैसे दायर करें, तो वो चार पांच पृष्ठ का बनाकर राजधानी में वो वितरित करते हैं कि आप सूचना का अधिकार का उपयोग कीजिए और ये इसका ये माध्यम है। तो ऐसे ऐसे भी साथी हमारे हैं कि आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से आम लोगों को चाहते हैं कि जो हमें सरकार ने जो चीज दिया है उसको हम जनमानस में उनका उपयोग कैसे करें, वो जागरूक वो कर रहे हैं। लेकिन हम अपने यहाँ माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे जितने भी पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे और खास करके DPRO साहब मधेपुरा से, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी से, जो बिहार सरकार ने जो आपके लोक शिकायत अधिकार अधिनियम को जो लागू किए या सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 लागू हुई, इनके प्रचार प्रसार के लिए आप लोग जगह जगह नुक्कड़ नाटक करवाइए, लोगों में जागरूकता है कि इसके लिए आप प्रशिक्षण दिलवाइए। कुछ दिन पहले लगभग हम जब कोर्ट में थे 2012 या 13 में, तो एक जज साहब के साथ हम गए थे लोक अदालत में, जो उसमें टॉपिक दिया गया था कि सूचना का अधिकार, तो उसमें मेरा ही चयन किया गया और हम बताए जो इसमें किस तरीके से आपको उपयोग करना है, कैसे कैसे करना है। तो ये समय समय पर और व्यक्तिगत रूप से कोई साथी हमसे पूछते हैं तो मैं सारी जानकारी उनको देता हूँ। तो ये जानकारी सरकार का सिस्टम है और इससे सरकार को फायदे हैं। हमने जो अभी तक जो काम किया, जो हमने भ्रष्ट पदाधिकारी कर्मचारी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा, उसमें जो FIRें दर्ज हुई, जो लोग गबन किए उनके विरुद्ध हम जो लड़ाई लड़े, पहले जिला पदाधिकारी महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव जहां कोई आवेदन देते थे, तो आवेदन पर तो उन लोगों को ढेर सारी काम रहते हैं, वो तो देखते दे दिए किसी पदाधिकारी को, इनको देख लो। लेकिन ये सूचना ये क्या कहते हैं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम ये जो लागू किया गया है, इसमें अब किसी जनता दरबार में आप देखते होंगे पहले 500,000 लोगों की भीड़ होती थी और उस जनता दरबार में जो आवेदन का कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। लेकिन ये कानून जो लागू हुई है तो इसमें आप अगर दायर करते हैं तो उसमें आपको प्राप्ति रसीद तुरंत मिल जाती है, आपकी सुनवाई की स्थिति को होगी आपको याद आ गया, और वहां जाने के बाद एक समय सीमा निर्धारित है कि इतने दिनों के अंदर ही आपका कार्ड डिस्पोजल होगा। तो ये कानून जो है लोगों के लिए बहुत अचूक हथियार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हथियार आम लोगों को दिया है अपने कार्ड कराने के लिए, और इसमें हम देखें कि सैकड़ों मामले जो गरीब लोगों को था, चाहे इंदिरा आवास का हो कि चापाकल कहीं पर दे दिया, कोई दूसरा आदमी राशि ले लिया, या नल जल का कहीं प्रॉब्लम है, या शिक्षा व्यवस्था कहीं स्कूल के टीचर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का राशि लूट लिया, तो ये सब विभाग में वहां जाने के बाद जांच कराई जाती है, एक्सपोज होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही 3 रोज पहले लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत ही हमारे ही प्रखंड के एक स्कूल है 9,66,000 रुपए की बिल्डिंग का जो स्कैंडल हुआ वो हमारे जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कलम से ही FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया। अब उस पर दर्ज होगी, वो जेल जाएंगे, रिकवरी होगी राशि, लेकिन ये अगर हम आगे नहीं आते तो अपना चल रहा है, किसी पदाधिकारी को क्या लेना देना है, यही है। तो इसलिए हम यहाँ के DM साहब से, श्याम बिहारी मीना साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सूचना का अधिकार, ये लोक शिकायत निवारण जो बिहार सरकार का ने अचूक हथियार लोगों को इसका प्रचार प्रसार, इसका प्रचार प्रसार करवाइए, आम लोग कैसे इसका प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, ये भी सुलभ हो, एकदम एकदम ये होना चाहिए। हम आपको बता दें कि राजीव जी, डॉक्टर राजीव जोशी जी एक खास इसमें जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सूचना के अधिकार के साथ साथ
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की भी बात कह रहे हैं कि इन दोनों के प्रयोग से, सूचना के अधिकार से आप सूचना ले लें, उसके बाद आप उस सूचना के अधिकार से जो आपको मतलब सूचना मिलती है उसे लेकर के आप लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत वहाँ चले जाएं, वहाँ दायर कर दें, तो हमें लगता है कि जो वो जो है सूचना का अधिकार, जो कि आपके पास ऑथेंटिक, वो आपके पास एक तरह से सर्टिफिकेट है, एक तरह से मटेरियल है आपके पास, जो कि वो एक आधार है कि किसी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से वो सूचना प्राप्त हुई है, जहाँ भी अनियमितता है उसे आप जो है फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत उसे फाइल करें उसके लिए। और हम आपको एक जानकारी और भी देते चले कि 6 जून है और 5 जून 2016 से, जैसा राजीव जी से हमें जानकारी मिली है, 5 जून 2016 से ये जो है राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, जो 2015 में बना था लेकिन लागू हुआ था 5 जून 2016 से, आज 6 जून है, मतलब कि इसी दिन जो है 5 जून से ये लागू हुआ था लोक शिकायत निवारण अधिकार, ये छठा वर्ष है, जो कि सूचना के अधिकार को और ज़्यादा, सूचना के अधिकार के हथियार को और ज़्यादा ये मजबूत ये बना गया, ये दोनों का प्रयोग करें, दोनों के बारे में इसीलिए हम जानकारियाँ ले रहे हैं, दोनों ही चीज़ों के बारे में ले रहे हैं। और हमें लगता है कि सूचना के अधिकार का प्रयोग या फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का प्रयोग सिर्फ एक डॉक्टर राजीव जोशी से ही आप उम्मीद ना रखें। हमें लगता है कि ऐसे अगर जिले में या फिर राज्य में अगर 100, 200, 500 अगर डॉक्टर राजीव जोशी हो जाएं, तो हमें लगता है कि बहुत सारे भ्रष्ट पदाधिकारी वहाँ होंगे, कर्मी वहाँ होंगे जहाँ उनकी जगह होनी चाहिए। हम कुछ टिप्पणियाँ लेते हैं और टिप्पणियाँ जी, राखी भारती लिख रही हैं, बहुत खूब, नवीन कुमार कह रहे हैं आदरणीय नेताजी को सादर प्रणाम। और फिर अगली टिप्पणी है प्रशांत कुमार जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू फाइंड आउट और सर्च सच ए ग्रेट पर्सन ऑफ माय मिसिंग फ्रेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम लाइक राजीव जोशी वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड। प्रशांत कुमार लिख रहे हैं कि मेरे पुराने मित्र जिन्हें हम सबसे पहले उन्हें अपने खोज करके सामने ले आया है, इसके लिए वो धन्यवाद हमें दे रहे हैं। वी न्यू, हम जानते थे ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द नॉर्म्स ऑफ आरटीआई टुडे, रियली इट्स ए फैंटास्टिक, रियली राजीव जी हैज बीन डूइंग वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी फियर, गुड इंटेंशंस एंड विद हिज फुल पोटेंशियल, सैल्यूट फॉर हिज डेडिकेशन प्रशांत स्टेशन चौक। ये आपके मित्र हैं जो कि इतनी अच्छी टिप्पणी आपके लिए, आपके साथी हैं, साथ हैं जो इतनी अच्छी टिप्पणी आपके लिए कर रहे हैं। ऋषि आनंद कह रहे हैं सर फिर से पूरी तरह सूचना के अधिकार के बारे में बताएं, ये आरटीआई घर से ऑनलाइन होता है या कुछ, हमें लगता है ऋषि आनंद जी सूचना का अधिकार कैसे फाइल करें ये डॉक्टर राजीव जोशी सर ने अभी कुछ देर पहले बताया है, लाइव को जब आप बैक करके लाइव, अभी कृपया लाइव में बने रहें, लेकिन लाइव समाप्त होने के बाद ऑनलाइन भी फाइल होता है, ऑनलाइन भी इसके वेबसाइट है सूचना के अधिकार संबंधित, आप देख लेंगे वहाँ भी फाइल होगा या फिर आप घर से भी फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है उसमें। तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे एक बात तो हुई कि सूचना के अधिकार का लेकर के हम जो है लोक शिकायत निवारण अधिनियम में ये चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बन जाती है लोगों की, हम तो इसे जैसे कि एक जैसे कि हम सूचना लिए उसके बाद कैसे हम उसका प्रयोग करें, ये थोड़ा सा और हमें जानकारी दें कि उसका कैसे प्रयोग करें, लोक शिकायत निवारण अधिनियम में कैसे ले जाएं, उसकी क्या प्रक्रिया है, ये थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए सबसे पहला चीज है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम से क्या सूचना प्राप्त किए जी, तो सूचना आप जो लिए और उसका उपयोग आप किस तरह से कैसे करना चाहते हैं, तो ये तो आपके दिलो दिमाग पर निर्भर करता है कि हम इसका कैसे किस मामले में हम करें। तो अगर आप चाहते हैं कि जो अभी जैसे हम एज फॉर एग्जांपल बता दें कि अभी आपको नल जल योजना 7 निश्चय योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी नल जल योजना चला रहे हैं, तो नल जल योजना में जो संवेदक है गाँव हर एक गाँव में मिनी पानी टंकी बना के और पाइप बिछाए हैं, तो पाइप बिछाने के लिए जो उन्होंने गड्ढा खोद के विभिन्न लोगों के घर तक वो पहुंचाया है कि पानी यहाँ ये हो जाए,
तो उसमें आपको अगर उससे संबंधित सूचना आपको पहले प्राप्त करना है, जो हम इसमें चाहते हैं कि हमारे घर तक पाइप नहीं आया, या पाइप आया तो उसमें पानी नहीं हमको मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो वो आयरन युक्त ही मिल रहा है, आयरन मुक्त नहीं मिल रहा है, तो इससे संबंधित जो बातें हैं आप सूचना का अधिकार अधिनियम से आप ले लीजिए, प्राप्त कर लें कि जो ये संवेदक कौन है। आप पीएचडी से मांग सकते हैं, कार्यपालक अभियंता को आप लोग सूचना पदाधिकारी बनाइए और वहां से लीजिए कि आपके वार्ड में जो कौन नल जल योजना में कौन संवेदक है, उनका क्या कार्य हुआ, कितना का उन्होंने राशि व्यय किया और उनका जो है सो कितने दिनों का मेंटेनेंस वर्क है और आपको क्या फायदा मिल रही है। उसमें आप सूचना अगर उनके द्वारा दी जाती है तो उसमें आप खामियां निकालेंगे, जो इसमें जो इन्होंने रिटेन में दिया है इसमें हमको क्या सही चीज मिला क्या गलत मिला, तो उसमें अगर वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा जो वो लिख के दे रहे हैं तो उनको आप लोक शिकायत निवारण अधिनियम में ले जाइए, जो इन्होंने ये लिख के दिया लेकिन ये हकीकत में सरजमीन पर ऐसा नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए आपको वहां ले जाना पड़ेगा, वहां सुनवाई चलेगी, लोक प्राधिकार आएंगे आपके सामने सुनवाई होती है और जो सोल्यूशन होगा वहां। देखिए ढेर सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं, ढेर सारे जो भी सरकार ने कई नियम बना दिए हैं, कई कानून बना दिए हैं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो विभाग है उसकी शिकायत ज़्यादा करते हैं और उसके खिलाफ जो आपको हथियार दिए गए हैं उस हथियार का कहीं प्रयोग कम कर रहे हैं। ये भी वजह है कि ऐसे जो लोग हैं जो जगह जगह बैठे हुए हैं, जो जनता की सेवा के लिए हैं लेकिन वो सिर्फ अपनी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का मनोबल भी इसमें बढ़ता है, तो ढेर सारे लोगों को सामने भी आने की ज़रूरत है। और जैसा राजीव जी ने बताया कि सूचना के अधिकार को और मजबूती दे सकता है आपका ये जो पहले आरटीपीएस हुआ करता था और फिर राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो है ये आपको और मजबूती दे सकता है अंजाम तक पहुंचाने में। ये मैं अपने दर्शकों को और कुछ बातें बता जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी ऑफिसर हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम को मजाक के रूप में लेते हैं, जो ये हमको क्या कर लेंगे, क्या हम नहीं देंगे जवाब है। अभी भी हमारे जिले में भी एक दो पदाधिकारी हैं ऐसे जो सूचना का अधिकार के तत्व जवाब नहीं ना, आप फाइल करेंगे तो उल्टा सीधा कुछ लिख कर आपको पोस्ट कर देंगे। अच्छा। और वो जवाब वो भरमाने के लिए दिग्भ्रमित कर, हमने जवाब भी दे दिया, जवाब भी दे दिया और हम देखिए कैसे इनको झुलाते हैं। और वो निश्चित रूप से करप्ट है जो सूचना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की मानसिकता है कि जो सरकारी कार्य है उसको हम पारदर्शिता के तहत उनको हम पोर्टल पर लावे, आप अपलोड कर दें कि हमने क्या काम किया, लेकिन उस चीज को छुपाने के लिए उसमें स्कैंडल करने के उद्देश्य से वो लोग बैठ जाते हैं और कोई कहते हैं कि ये सूचना में तो हम सूचने नहीं देंगे तो वो क्या कर लेंगे, तो उनकी मानसिकता ये रहती। लेकिन ऐसे पदाधिकारी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध सेक्शन 21 के तहत बिहार राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा फाइन जो की जाती है उसमें अगर एप्लीकेंट लगेंगे तो उन पर विभागीय कार्रवाई चलती है, उनके सर्विस बुक पर लिखा जाता है। तो ऐसे पदाधिकारी हरकत में आवे कि जो नहीं सूचना देते वो सूचना देना पड़ता है। देखिए जब सूचना का अधिकार एक जब राइट बनाया गया, हमारा जब राइट टू इंफॉर्मेशन जब एक्ट बनाया गया है ये, तो निश्चित रूप से वो हमारा अधिकार है, जो भी लोग चाहें अधिकार है। जहां तक वर्तमान मुख्यमंत्री जी की बात है तो यहां भी ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की हम जो है पॉलिसी अपनाते हैं। इस मामले में शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कई भ्रष्टों के मकान वगैरह भी जो है वो कब्जे में लिए गए थे, और जब ये कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि आरटीआई के बारे में या फिर ये लोक निवारण जो अधिनियम है इसके बारे में एक स्टेट लेवल से अधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, और अगर कोई दोषी पदाधिकारी अगर मुख्यमंत्री तक उनके बारे में सूचना पहुंचती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि एक कहते हैं कि जस्टिस जो होनी चाहिए वो जस्टिस ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि जस्टिस दिखना भी चाहिए, और जस्टिस की बात लोगों तक भी आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि न्याय में लोगों की आस्था उसमें जो है बनी रह सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि
कि आप भी लगेंगे, और हमें चाहिए कि सरकार को या जो भी पदाधिकारी हैं उन्हें भी कम से कम आना चाहिए इसमें, कि वो सूचना के अधिकार के तहत जो भी मांगा जाए वो सही सही उसकी उपलब्ध करावे। और निश्चित रूप से अगर आनाकानी होती है, टाल मटोल होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है, इस तरह हो सकता है। हम लाइव में इजाजत लेने से पहले हम डॉक्टर राजीव जोशी जी से हम बताते चलें, बीच में जो बाद में जुड़े हैं हम आपको इनका परिचय फिर से कराते चलें। डॉक्टर राजीव जोशी हमारे साथ हैं, 46 वर्ष इनकी उम्र है, और हम आपको बता दें कि इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है MSc LLB है, PhD भी है, 13 वर्ष वकालत का भी अनुभव रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काफ़ी ये मुखर रहे हैं, जिले भर में इनकी पहचान है, और सबसे अहम RTI एक्टिविस्ट के रूप में ये सबसे अधिक जिले में सक्रिय रहे हैं। मूल घर इनका गहलाड़ प्रखंड के रड़ी यहाँ गांव है, मधेपुरा वार्ड नंबर 1 के वर्तमान में निवासी हैं। RTI में 2008 से सक्रिय हैं। इन्होंने जो जानकारी दी कि RTI में लाने का श्रेय भी एक बड़े पदाधिकारी को जाता है, और फिर एक दूसरे बड़े पदाधिकारी ने इन्हें परेशान भी किया, इन्हें जेल भी भिजवाया RTI में, और हजारों RTI इन्होंने अब तक फाइल किए हैं, और दर्जनों FIR हुए हैं कर्मियों और अधिकारियों पर। इनके सूचना के अधिकार के हथियार के प्रयोग से और कई के आधे दर्जन की नौकरी भी गई है, बर्खास्त भी हुई है, और साथ साथ करोड़ों रुपये की रिकवरी भी हुई है जो सरकार के खाते में गई है। और ये इतने प्रताड़ित होने के बाद, या फिर जो भी इन पर जो है जो प्रयास हुए, इनको इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास हुआ, उसके बाद भी राजीव जी एक मुखर जो है RTI एक्टिविस्ट के रूप में पूरी तरह कायम है। हम एक टिप्पणियां ले लेते हैं, फिर हम अंतिम प्रश्न राजीव जी से लेंगे। और टिप्पणियां जो है, निशांत राज माना कहते हैं वेरी गुड, पंकज उदास कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, निशांत राज माना कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जी, सुजल रोशन कहते हैं मधेपुर टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो RTI एवं लोक शिकायत निवारण जैसे जानकारी को लोगों के बीच देने का काम किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंतिम प्रश्न जो है ज़्यादा लेने से पहले राजीव जी से ये करना चाहेंगे कि MT लाइव के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम MT लाइव मधेपुरा टाइम्स के माध्यम से मधेपुरा वासियों को और ख़ास करके आपके चैनल को, जितने भी देश के या आप विदेश में भी लोग देखते हो, हम RTI और लोक शिकायत अधिकार अधिनियम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ये पहल है, ये बहुत अच्छा पहल है, और इस माध्यम से जो समाज में, शहर में या जहाँ कहीं भी मामले आते हैं धोखाधड़ी का, गबन का या विभिन्न तरह का, आप इस कानून का सही से उपयोग करें, और उपयोग करके अपने लिए तो कोई भी जीवन जीता है, लेकिन हम आम लोगों के लिए जीवन जिए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी देन होगी। और ख़ास करके हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पिछले वर्ष जो सेकेंड चरण कोरोना का चला था, उसमें हम ये भ्रष्टाचारियों के बुने हुए जाल से तो हम बचते आ रहे हैं, लेकिन जो कोरोना का जो जाल था उसमें हमको लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, हम ऊपर नीचा हो रहे थे, लेकिन उसमें जो हमने गरीब लोगों का सहयोग किया इस कानून के तहत, जो सैकड़ों हजारों लोगों को मैंने जो न्याय दिलाया, उन लोगों की दुआ और उन लोगों के जो मेहनत थी हमारे लिए, रोने लगे, बहुत लोग बोले कि मर गया जो जोशी जी कैसे हैं ये, और हम खास करके इस कानून को आगे और लोगों को इंसाफ दिलाने में, न्याय दिलाने में, हम अपनी पत्नी की भी बहुत उनका सराहना करते हैं कि हमारे इस कार्य को बहुत हद तक वो हमको सहयोग करती है, और निश्चित रूप से उनके बगैर हम ये कार्य भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत होती है लेडी जो क्या हाथों का ये करते हैं, वो करते हैं, उलझा के रखते हुए हैं, लेकिन जब हम जेल गए तो उस समय भी उन्होंने हमारे हौसला अफजाई किया कि बिल्कुल आप लोगों के लिए जो आपने परेशानी उठाया, जो काम किया, आज उन्हीं लोगों की दुआ है जो आप जीवन और मौत से बच के आ गए हैं, और निश्चित रूप से आगे भी आप इन लोगों की सेवा कीजिए। और हम, मेरा भी प्रयास है कि जीवन जो है वो आम लोगों के लिए हम जिए, और अपने बाल बच्चे
परिवार, समाज और इस देश के लिए कुछ करें, यही मेरा तमन्ना है। बस यही आपका संदेश है। यही मेरा संदेशा, और खास करके जिले के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम में आपको जहां कहीं भी परेशानी हो तो मेरा आप मोबाइल नंबर नोट करें। बिल्कुल नोट करा ही दीजिए। और कहीं भी समस्या होगी तो हम आपके जवाब देंगे और आपके लिए हम खड़े रहेंगे। और जहां कहीं भी लड़ाई लड़ने की बात भी होगी तो डॉक्टर राजीव जोशी आपके लिए आपको हर जगह खड़ा रहेंगे, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, बशर्ते आप सही जगह सही चीज के लिए आप सही काज होना चाहिए उसका जो है एक तो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर बी एन भारती साहब जो हड्डी रोग स्पेशलिस्ट हैं। हम डॉक्टर ये असीम प्रकाश जी का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, डॉक्टर ए के चक्रवर्ती जो हम समझिए तो हम मेंटल पागल हो गए थे, लेकिन इन लोगों के प्रयास से वो कोरोना काल में डॉक्टर लोग भाग गए थे, देखते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर असीम प्रकाश ने एक बड़े भाई के हमको नाते वो आधी रात को भी फोन करके सूचित करते रहते थे क्या हाल है भाई साहब, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि हमको बचाने का काम किए। ए चक्रवर्ती साहब हमको मेंटलिटी रूप से जो परेशान है वो हमको बचाए, डॉक्टर बी एन भारती हमको बराबर उसमें सांत्वना दिए, और हमारे जितने भी जो लोग थे जो हमारे चाहने वाले हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप लोगों के मदद के लिए हैं और इस कानून के तहत हम आपके साथ रहेंगे। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 947284040434 ये मेरा नंबर है, जिस किसी साथी को भी आवश्यकता हो आप हमसे सुबह 5 बजे से 10 बजे तक बात कर सकते हैं और शाम में 4 बजे के बाद नाइट में कभी भी आप कभी बात कर सकते हैं। जी 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 आगे तो राजीव जी ने अपना नंबर भी दिया है, आरटीआई का उपयोग करें, अधिक से अधिक प्रयोग करें, हथियार के रूप में बनाएं और थोड़ा सा जो जो विभाग हैं उन्हें भी थोड़ा जगह पर लाएं, जो विभाग जगह से खिसक रहे हैं उन्हें भी जगह पर लाने में आप सबों की भागीदारी होनी चाहिए। हम आपको ये बताते चलें कि सिर्फ अपने लिए जीने वाले गुमनाम मर जाते हैं, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो समाज के लिए जीते हैं। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का लगातार बने हुए हैं और डॉक्टर राजीव जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस लाइव सेशन में 1 घंटे से अधिक, अगर हम समय देख रहे हैं तो 1 घंटा 16 मिनट और 38 सेकंड अभी होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी जानकारी दी, हमें लगता है आरटीआई के बारे में कोई जानकारी या फिर लोक शिकायत निवारण अधिनियम के बारे में कोई जानकारी शायद ही बची हो, और अगर आपको जानकारी आप ये भी बात साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपके इलाके में अगर कोई सरकारी कार्यालय में या फिर कहीं आपका काम नहीं हो रहा है किस तरह, अगर आपको आरटीआई के बारे में आप कुछ मांग रहे हैं, सूचना नहीं दी जा रही है तो उसकी भी सूचना हमें भी दें, हम डॉक्टर राजीव जोशी जी को भी सूचना देंगे। और ये समय है सबको एक साथ मिल करके इसकी लड़ाई लड़ने की, और आप सबों का सहयोग इन्हें मिलता रहे और आप लोग भी इस काम को आगे बढ़ाते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजीव जोशी जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिपोर्ट टाइम्स के इस लाइव सेशन में। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, शिवरात्रि। धन्यवाद।